हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सीटो चैनल पर। आज हमारे पास ये बजाज कंपनी का एक इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर होने के लिए आए हैं, जिसका मॉडल आप देख सकते हैं ICX नियो मॉडल है। और इस इंडक्शन कुकर में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको सबसे पहले हम सप्लाई पर लगाते हैं। ये देखिए डिस्प्ले हमारा ब्लिंक करके बंद हो गया। हम इसको ऑन करते हैं, देखिए E5 का एरर कोड आ रहा है। ठीक है, तो ये E5 का जो एरर कोड आता है इसमें एक न्यू प्रॉब्लम आई है, हमारे पास भी अभी तक नहीं आई थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली में प्रॉब्लम क्यों होती है। ये E5 का जो एरर कोड है, तो ये जो E5 का एरर कोड है ये लो टेम्परेचर का इंडिकेशन दिखा रहा है इंटरनल PCB पे। ठीक है, तो ये इसका एरर कोड है। हमने इसका सैन इसमें हमने इसके जो IGBT के पास एक लगे रहता है टेम्परेचर सेंसर, आप देख सकते हैं ये वाला, इसको हमने रिप्लेस करके देखा है, ये प्रॉपर से ही बता रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है, इसको भी हमने चेक किया हुआ है, जो सेंसर के पास वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था हमने इसको भी चेक करके देखा है, ये भी प्रॉपर बता रहा है। तो एक्चुअली में अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके पास भी आती है तो कहाँ है इशू जिसका सॉल्यूशन हमको मिल गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ये इसका ये मेन IC का प्रॉब्लम है, जो प्रोग्राम IC है इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम IC मेरे पास आप देख सकते हैं, ये दूसरी प्रोग्राम IC भी है, इसी की है। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं और आपको चालू करके दिखाते हैं। चलिए शुरू करें, देख सकते हैं IC हमने रिप्लेस कर दी है, दूसरी वाली IC ला ली है, पुरानी वाली IC ये रही। ठीक है, तो अब इसको हम सप्लाई पे लगाते हैं। ठीक है, इसको हम ऑन करते हैं, ये देखिए मेटल सेंस कर रहा है, कोई एरर नहीं है। तो आपके पास भी अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप समझ जाइएगा ये मेन IC का ही फॉल्ट है, क्योंकि मेरे पास ये सेम IC का प्रॉब्लम एक प्रेस्टीज इंडक्शन को टॉप पे भी आया था, जिसका वीडियो हमारे पास ऑलरेडी इस यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। सेम E5 का एरर था, PCB का डिज़ाइन चेंज था, पर मेन IC सेम कंपनी की लगी थी, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने भी इस पर IC ही एंड लास्ट में चेंज किया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो कुछ न्यू थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो। थैंक यू।